जी, जो निःशुल्क IAS RAS CET की तैयारी करा रहे हैं यहाँ पे, एक पहल इंडिया की तरफ से, सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कई प्रतिष्ठित संस्थाओं में पढ़ाया है, वहाँ पढ़ाने और यहाँ पढ़ाने में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? सर यहाँ पर पहला फ़र्क तो ये है कि जो बच्चे हम आते हैं यहाँ पर, ये उस तबके के आते हैं जिनको उस लेवल की शिक्षा नहीं मिल पाती है। उस लेवल का यहाँ पर मेरा तात्पर्य है महंगी कोचिंगों में जहाँ पर फीस 1-2 लाख रुपए फीस होती है, उस लेवल की नहीं मिल पाती है। तो हमारा प्रयास है कि हम उन बच्चों को उन बेहतरीन शिक्षकों से यहाँ पर अध्ययन कार्य करवाया जाए, निःशुल्क कार्य करवाया जाए, ताकि यह भी अधिकारी बन करके अपने सपनों को साकार कर सके। सर एक जहाँ पे प्रतिष्ठित संस्थाओं में आप लोग जाते हैं वहाँ आप लोगों को सैलरी भी मिलती है, मतलब आपका एक घंटा भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, उसकी भी मतलब मेरे हिसाब से लाखों की फ़ीस होती है आप लोगों की मंथली, और यहाँ आप निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, तो मतलब क्या घर वाले भी सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में, या फिर बाद में आप लोगों को कैसा फील आता है इस चीज़ को करने में? सर हर चीज़ के लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, कभी कुछ कार्य जो है वो सेवा के लिए भी कर दिए जाएँ तो बेहतर होता है। तो मेरा तो शुरुआत से, जैसे आपने परिवार की बात कही, तो मेरा तो एक पारिवारिक संस्कार भी यह रहा है सेवा भावना करने का, क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब जो हैं वो भी सेवा के दृष्टिकोण से अध्यापन करवाते हैं, मेरे पिताजी जो हैं वो भी इसी कार्य में जुड़े हुए, तो अच्छा लगता है। कुल मिलाकर के बात ये है, और हर जगह पैसा मायने नहीं रखता है। आप लोगों को कैसे ही मोटिवेट, मतलब कैसे आप लोगों को अप्रोच किया गया, या किसी ने अप्रोच किया, या आप लोगों को पता चला है कि यहाँ निःशुल्क क्लास स्टार्ट होने वाली है और मुझे भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए और बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, कोई बच्चा मेरी पढ़ाई से IAS RAS ये सब टॉप कर पाए? सर बेसिकली अप्रोच अमित जी ने किया था, जो देव अमित जी जो इस संस्था के निदेशक या अध्यक्ष है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि सर इस तरह की एक योजना है। पहले तो एक बार लगा कि हाँ पता नहीं क्या रहेगा, लेकिन जब उन्होंने पूरी जानकारी मुझे दी तो काफ़ी अच्छा लगा, और मैंने पहले ही बार में हाँ कर दी। मैंने कहा सर बिल्कुल मैं आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो आप लोग कितना टाइम देते हैं यहाँ पे निःशुल्क पढ़ाने में बच्चों को? सर 2 घंटे क्लास होती है, सुबह 11 से 12 होती है IAS के बैच के लिए, और 12 से 1 जो मेरी क्लास होती है वो RAS के लिए होती है। RAS के लिए होती है। सर आप ये हमें बताएं कि जैसे कई संस्थाएं हैं जहाँ पे अगर आपने पढ़ा भी रहे होंगे तो वहाँ पे क्या कोई क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि यार आप हमारी संस्था में पढ़ा रहे हैं और आप निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे जो बच्चे हमारे पास आना चाह रहे हैं जो आपके सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपके लिए स्पेशल आते हैं वो आना बंद हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी कुछ नहीं, 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 ऐसा कुछ भी नहीं है सर हमारे यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक अलग तरह का बच्चा है यहाँ पर, वहाँ पर जो बच्चा आता है वो एक अलग तरह का बच्चा आता है, तो इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है सर, और हमसे इस तरह के कोई सवाल नहीं पूछे जाते हैं कहीं। धन्यवाद सर। एक पहल इंडिया ने निःशुल्क क्लास स्टार्ट की, आज तीसरा दिन है, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पे निःशुल्क पढ़ने? हमारे को यहाँ पे इतना बेटर फील हो रहा है कि जहाँ तक हमने आज से पहले जो चीज़ें नहीं सीखी वो यहाँ के सीखने को मिल रहा है, एंड यहाँ पे इतनी बेस्ट फैकल्टीज ला रहे हैं सर, तो उनके द्वारा जो सिखाया जा रहा है बहुत बेटर फील हो रहा है। बच्चे पैसे दे के जो और कोचिंगों में सीख पा रहे हैं वो हम निःशुल्क सीख रहे हैं यहाँ से। मतलब जैसे कहते हैं कि मतलब बड़ी जितनी बड़ी संस्थाओं में जाओ उतना अच्छा आप लोगों को एजुकेशन मिलती है, ऐसा कुछ है या फिर बाद में निःशुल्क में भी कुछ? नहीं निःशुल्क में बिल्कुल जो बड़ी संस्थाओं के द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है वो यहाँ पे उसी फैकल्टीज द्वारा उन्हीं के थ्रू दी जा रही है, उनसे भी बेस्ट मैं मानता हूँ कि उनसे भी बेस्ट हमारे को फैकल्टीज मिल रहे हैं, मतलब पढ़ाते होंगे यहाँ पे निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, वहीं पे वहाँ पे भी वही पढ़ाएंगे और यहाँ पे भी यही हो रही है, बस यहाँ पे निःशुल्क और वहाँ पे पैसे दे। तो निःशुल्क के साथ साथ आपको निःशुल्क बुक्स भी दी जा रही हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी तक तो हमने दी नहीं है, पर अब जब देंगे तो बता, इसके बारे में बताया तो जा रहा है कि निःशुल्क बुक आपको वितरित की जाएगी, बट अभी तक मिला नहीं है। तो जैसे सुनने में आ रहा है कि हर सैटरडे को यहाँ पे जो कलेक्टर हैं वो भी क्लास लेंगे। हाँ ये बिल्कुल श्योर बात है कि हर सैटरडे को कलेक्टर, जो बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ आकर बच्चों से इंट्रोड्यूस्ड होंगे और क्लास लेंगे। टीचर्स की नहीं होंगे उस दिन, टीचर्स की नहीं, कलेक्टर और बड़े अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लोग क्लास लेंगे यहाँ। यस धन्यवाद।